एक जादूगर था जिसका नाम था भैरव। भैरव गांव-गांव जाकर लोगों को जादू का खेल दिखाया करता था। भैरव की हाथों की कलाकारी देखकर लोग मंत्र मुग्ध रह जाते थे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बंजा लड्डू 102। दर्शक भैरव की कलाकारी देखकर बहुत खुश होते थे। समय के साथ जादूगर भैरव का अहंकार भी बढ़ता गया। अब वो खेल दिखाते दिखाते दूसरे लोगों का अपमान करने लग गया था। देखो भाई, ये एक गेंद है और ये एक बॉटल। किसी भी तरीके से ये गेंद इस बॉटल में नहीं जा सकती है। आओ देखो भाई। एक गांव वाला आगे आया और उसने गेंद को बॉटल में डालने की बहुत कोशिश की। घुस जा, अंदर घुस जा। तुमसे नहीं हो पाएगा, लाओ मुझे दो और गौर से देखते रहो। भैरव ने बड़ी आसानी से गेंद बॉटल में घुसा दी। क्यों भाई, तुम्हारे आंखों के सामने मैंने अपने हाथों का कमाल दिखाया। तुम्हारी तो आंखें भी कमजोर हैं। जाओ जाके आंखों का इलाज करवाओ। वो गांव वाला वहां से मुंह उतार के चला गया और जादूगर भैरव ने अपनी जादूगरी को जारी रखा। इस तरह जादूगर भैरव दूसरे लोगों की बेइज्जती करने लगा। एक दिन की बात है, जादूगर भैरव वेंकट स्वामी के गांव जादू दिखाने आया। जादूगर भैरव ने गांव वालों से वेंकट स्वामी की बुद्धिमानी के बारे में सुना था। तो आज मैं इस वेंकट को अपने जादू में फंसा लूंगा। भीड़ इकट्ठी हुई और जादूगर भैरव ने अपना जादू का खेल शुरू किया। ये देखिए, ये एक कबूतर है। मैं इसे एक कपड़े से ढकूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बंजा कबूतर 102। दर्शकों ने तालियां बजाई और फिर वेंकट भाई, सुना है आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो आइए आके मेरे जादू का राज पता कीजिए। वेंकट स्वामी आगे आए। जादूगर ने एक अंडा उठाया। देखिए वेंकट भाई, ये एक अंडा है। और से देखिए, अच्छे से देखिए। वेंकट स्वामी ने अंडे की जांच की। हाँ भाई, अंडा ही है, ये लो। आबरा का डाबरा गिली 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 छू, अंडा बन जा मुर्गी तू। दर्शकों ने ताली बजाना शुरू किया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन भाई वेंकट, आपकी तो नजर बहुत ही कमजोर है। आप तो मेरी हाथ की सफाई भी नहीं पकड़ पाए। शायद मैंने गलत सुना था कि आप बुद्धिमान हो। आप तो एक मामूली हाथ की सफाई भी नहीं समझ पाए। आपकी नजर बहुत कमजोर है भाई, कल से चश्मा लगा लीजिएगा। वेंकट को ये बेइज्जती अच्छी नहीं लगी। नजर तो कमजोर है, लेकिन मैं एक ऐसा काम आंखें बंद करके कर सकता हूँ जो तुम आंखें खोल के भी नहीं कर सकते। असंभव, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और मैं खुली आंखों से नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर जो काम मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ वो तुम आंखें खोल के कर सके, तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जादू करना छोड़ दोगे। मुझे मंजूर है। भैरव ने अपनी ऐंठ में शर्त स्वीकार कर ली और फिर वेंकट स्वामी एक डब्बा लेकर आए। अब गौर से देखो, तुम्हें ये खुली आंखों से करना है। वेंकट स्वामी ने डब्बा खोला और डब्बे में लाल मिर्च की बुक्की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और लाल मिर्च की बुक्की अपनी आंखों पर डाली। ये देख भैरव के पसीने छूटने लगे। फिर वेंकट स्वामी ने मिर्च झटक दी और अपनी आंखें खोली। देखा कितना आसान था, अब तुम करो खुली आंखों से। भैरव असमंजस में फंस गया। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी हार मानता हूँ, और शर्त के मुताबिक मैं आगे से जादू नहीं दिखा सकूंगा। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। मैं तुम्हें जादू करने से नहीं रुकूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार से किसी का भला नहीं हो सकता।
और तुम्हें अपने दर्शकों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैं समझ गया वेंकट भाई, मैं आगे से किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं करूंगा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जादूगर भैरव घमंड के कारण दूसरों की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन वेंकट स्वामी की चतुराई ने भैरव के घमंड को चकनाचूर कर दिया। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा जादूगर था शाकाल। शाकाल बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और एक बहुत ही विशेष विद्या थी, जिसे वो साल में एक बार, जब तारे त्रिकोण आकार में एकत्रित होते हैं और जब चांद उनके मध्य में आता है, तब वो सोने की वर्षा कर सकता था। जादूगर शाकाल को ये विद्या उसके तिब्बती गुरु येन ने सिखाई थी। जादूगर शाकाल को अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था, इसीलिए उसने ये विद्या अपने किसी भी शिष्य को नहीं सिखाई। एक दिन की बात है। महाराज, आपके मित्र राजा इंद्रसेन जी के यहाँ से न्योता आया है। उनके राजकुमार का नामकरण करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। अरे वाह, इंद्रसेन को पुत्र हुआ है, हम अवश्य जाएंगे। महाराज, उसी दिन गांव में भी तो महोत्सव है, तो आप कैसे जा पाएंगे? गांव में महोत्सव हर साल होता है, लेकिन इंद्रसेन को हर साल पुत्र नहीं होता। और फिर तुम दोनों यहीं रहो गांव के महोत्सव में, मैं अकेले इंद्रसेन के यहाँ जाता हूँ। लेकिन महाराज, हमने बोल दिया बस। और फिर जैसे शाकाल ने निर्णय लिया था, वो अकेला निकल पड़ा। शाकाल ने गांव पार कर लिया और अब वो जंगल में था। आज तो वही रात होगी जब तारे एकदम त्रिकोण आकार में एकत्रित होंगे और आज मैं अपनी विशेष विधि से सोने की वर्षा कर पाऊंगा। ये मैं कैसे भूल गया, आज मुझे अपने गांव में होना चाहिए था। लेकिन अब जब मैं बाहर निकल ही गया हूँ, तो यही कहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढकर सोने की वर्षा करूंगा। शाकाल ने अपना सफर जारी रखा। शाम हो गई और अब कात्रक को एक सुरक्षित जगह मिल गई। शाकाल ने वहीं रहकर सोने के सिक्कों की वर्षा करने का सोच लिया। शाकाल ने अग्नि का इंतजाम किया और अपना तप शुरू किया। वो अपने ध्यान में मग्न था। अग्नि की रोशनी से एक डकैतों का झुंड का ध्यान शाकाल पर पड़ा। डकैत जादूगर शाकाल के पास पहुँचे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें जीने का भी हक नहीं है। उनमें से एक डकैत ने जादूगर शाकाल के गले पर एक बड़ा सा चाकू रख दिया। जादूगर शाकाल डर गया। तुम्हें सोना चाहिए ना? मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। तो जल्दी दे। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही चांद इन तारों के त्रिकोण के बीच में होगा, सिर्फ तभी मेरा तप सफल होगा। मैं सोने के सिक्कों की वर्षा कर पाऊंगा। वो सारे सोने के सिक्के तुम लोग ले जाना। सोने के सिक्कों की वर्षा? हमें बेवकूफ समझा है? नहीं नहीं, मैं सच में एक बड़ा जादूगर हूँ। मेरी विद्या विशेष है, मैं सच में सोने की वर्षा करवा सकता हूँ। कुछ देर इंतजार करके देख लो। वैसे भी हम अगर इसे अभी मारें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार ही करके देख लेते हैं। सोना नहीं मिला तो मार देंगे। डकैतों ने ये बात मान ली और वो इंतजार करने के लिए राजी हो गए। और फिर जादूगर शाकाल अपनी तपस्या में मग्न हो गया।
और जैसे ही चांद उन त्रिकोणी तारों के बीच में आया, शाकाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिल 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 छू मंत्र, सोने की वर्षा शुरू हो। और सच में सोने की वर्षा शुरू हो गई। डकैत ये सब देख फूले न समा रहे थे। उन्होंने सारे सिक्के जमा करने शुरू कर दिए और जब सब सिक्के इकट्ठे हो गए, वो उन्हें लेकर जा रहे थे कि अचानक, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एक विशेष जादूगर हूँ। वत तुम हो, मुझे ये लगता है हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि ये हमारे लिए सोने की और वर्षा करा सके। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं साल में केवल एक ही बार ये जादू कर सकता हूँ। तो इस साल की वर्षा तो तुमने कर दी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं। जब तुम हमारे कोई काम के ही नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, डकैतों ने जादूगर की पुकार नहीं सुनी और उसे मार दिया। जादूगर शाकाल जीवित होता अगर वो अपने जादू पर घमंड ना करता। उसकी वाहवाही लूटने की आदत ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं, घमंड ने अच्छों अच्छों को डुबा दिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।